सो आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी कैंपस टूर व्लॉग। उसके पहले अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेरीज हो ना इससे रिलेटेड, तो तुम लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, जाके फिल आउट कर देना एंड यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माई टीम। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो आज मैं आ गया हूँ भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लॉ कॉलेज। एज ऑलवेज नमस्ते भाई, उनके बहनों मैं हूँ आपका पीएम के व्लॉग्स। आइए कुछ ना देखते, अब चलते अंदर और मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कैंपस। सो जैसे तुम लोग थोड़ा सा एंटर करते हो ना कॉलेज के अंदर, तो तुम लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन मिल जाती है, भारतीय विद्यापीठ कैंटीन करके। आ जाओ अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ फार्मेसी वाली बिल्डिंग, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ तुम लोगों को एमबीए वाली, और फिर मैं बताता हूँ लॉ वाली बिल्डिंग। सो जैसे ही तुम लोग टर्न लेते हो ना एंट्रेंस गेट से, जैसे ही तुम लोग राइट लेते हो, तो तुम लोगों को यहाँ पे दिखता है भारतीय विद्यापीठ पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एंड यहाँ पे भाई फार्मेसी की बिल्डिंग है। आ जाओ थोड़ा सा सामने, तुम लोगों को यहाँ पे नहीं क्या फोर व्हीलर पार्किंग मिल जाएगा। उसके जस्ट बाजू वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, दोनों फार्मेसी की बिल्डिंग है। अब मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को एमबीए वाली बिल्डिंग। चलो ये वाले कैंपस में नहीं क्या तुम लोगों को हाई स्कूल वगैरह भी मिल जाएगा, मतलब फर्स्ट टू टेंथ वाली स्कूल जो रहती है ना वो भी मिल जाएगा। आ जाओ अब मैं बताता हूँ तुम लोगों को डिटेल में। सो जैसे तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, राइट साइड में तुम लोगों को यहाँ पे मिल जाता है टू व्हीलर का पार्किंग एरिया। तो ये पॉइंट पे आने के बाद नहीं क्या तुम लोगों को छोटा सा स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये स्कूल ही है, ठीक है। यहाँ इसके जस्ट सामने में एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिल जाएगा। ग्राउंड में बताता हूँ थोड़ा सा आगे में, अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ आर्ट्स कॉमर्स वाला जो कॉलेज है वो। अभी ये जो पीछे वाली जो तुम लोगों को बिल्डिंग दिख रही है ना, वो है यशवंतराव मोहिते कॉलेज, जहाँ पे बीबीए और बीकॉम वगैरह की क्लासेस होती है। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ फाइनली मैं एमबी वाली बिल्डिंग और लॉ वाली बिल्डिंग जो है वो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जैसे तुम लोग राइट टर्न लेना, तो यहाँ पे वापस से तुम लोगों को टू व्हीलर पार्किंग वगैरह मिल जाता है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे बैडमिंटन का एंड वॉलीबॉल का कोर्ट तुम लोगों को मिल जाएगा, बहुत बड़ा ग्राउंड है। एंड यहाँ पे आके तुम लोग बैठ सकते हो, खेल सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। आ जाओ सामने। ओके सो अभी मेरे पीछे वाली जो बिल्डिंग तुम लोग देख रहे हो ना, उसको IMED बोलते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, के अंदर MBA वगैरह होता है इन शॉर्ट। सो अगर तुम लोगों को कोई भी इंक्वायरी होंगी, क्वेरीज होंगी, तो तुम लोग टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जाके गूगल फॉर्म फिल कर दो एंड सारी क्वेरीज मैं सॉल्व कर दूंगा, एंड मेरे कॉलर तुम लोगों को कॉल करके गाइडेंस दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आ जाओ। ओके सो ये वाली जो तुम लोग बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये है भारतीय विद्यापीठ के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते ना उनका हॉस्टल है, रह सकते हो, नहीं तो बाहर वगैरह तुम लोगों को पीजी मिल जाएगी। आज अब मैं दिखाता हूँ मेन स्कूल ऑफ लॉ। ओके सो मेरे पीछे तुम लोग जो देख रहे हो ना, वो है भारतीय विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी का न्यू लॉ कॉलेज, ठीक है भाई। लेजिट इसके लिए भी बहुत डिमांड है। अगर कोई भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी गूगल फॉर्म के, भर देना। और यहाँ पे तुम लोगों को जो मैं बोल रहा था ना कि बैडमिंटन का कोर्ट वगैरह मिल जाता है, वॉलीबॉल का मिल जाता है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे इवेंट्स वगैरह चलते रहते हैं।
तुम लोग वो वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो एक स्कूल है जो मैं पहले बताया तुम लोगों को, एंड बस ये वाले कॉलेज में इतना ही है। आई होप तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन या वैल्यू मिली होगी। गूगल फॉर्म की लिंक है, वहाँ पे फॉर्म फिल कर देना। तुम लोगों को कोई भी क्वेरी रही तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मेरी टीम तुम लोगों को कॉल कर लेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो बस यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, बूम।